सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले ड्यूक 250 एंड डोमिनर 400 के ऊपर। सो वीडियो में आपको पूरा कंपैरिजन इनका मिलेगा, जिसमें इसकी परफॉर्मेंस, इसका स्पेसिफिकेशन, ग्राउंड क्लियरेंस टेस्ट होगा एंड ओवरऑल इसका पूरा डिटेल होगी कि बाइक का प्राइस क्या है, माइलेज, मेंटेनेंस, हर चीज़ इसमें इंक्लूड होगी। जस्ट आप एंड तक देखना एंड आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी ड्यूक 250 के ऊपर एंड डोमिनर 400 के ऊपर। पूरा कंपैरिजन है एंड प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो सपोर्ट करो, क्योंकि काफ़ी वीडियोस लोग देखते हैं बट सपोर्ट नहीं करते। तो प्लीज़ शेयर कर देना जितना हो सके, लाइक करना इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब करना, जस्ट एक ये तीन आप काम कर दो एंड वीडियो अच्छी लगती है तो। सो बस यही था आपको बोलने के लिए एंड एंड तक देखना। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। चीज़ें बाइक चलाने से पहले आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको किल स्विच मिलता है स्टार्ट के, यहाँ पर आपको यहाँ पर मिलते हैं इसके क्या बोलते हैं ये हाई बीम के लिए, यहाँ पर आपको मिलता है पास लाइट, यहाँ पर आपको यहाँ पे हॉर्न मिलता है, आवाज़ ऐसा है, इंडिकेटर्स। तो अब स्टार्ट करते हैं, पावर ब्रेकिंग कैसा है इस बाइक का, आप देख सकते हैं यहाँ किल स्विच है, यहाँ पर आपको स्टार्ट के लिए मिलता है, यहाँ पर हाई बीम, लो बीम, पास लाइट, यहाँ पर इंडिकेटर मिलते हैं और यहाँ मिलता है आपको हॉर्न। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम डिज़ाइन के रिलेटेड बात कर लेते हैं एंड अगेन मैं ये चीज़ आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको कौन सी बाइक ज़्यादा बेटर लगती है। सो आप लोग कमेंट करना कि कौन सी बाइक ज़्यादा बेटर लग रही है आपको, डोमिनर का डिज़ाइन ज़्यादा बेटर लगता है या फिर ड्यूक 250 का आपको, मतलब कि जो KTM डिज़ाइन और कलर स्कीम देता है वो आपको बेटर लगता है या फिर बजाज जो अपनी बाइक में डिज़ाइन देता है, कलर स्कीम उसने प्रोवाइड करा है, वो आपको बेटर लगा। तो कमेंट करना आपको कौन सी बाइक ज़्यादा बेटर लगती है, क्या रीज़न है कि आपको ड्यूक बेटर लगती है या डोमिनर। तो कमेंट जरूर करना कि आपकी फेवरेट बाइक कौन सी है। सो ये बाइक ऑलमोस्ट 40 bhp का पावर प्रोड्यूस करती है एंड 35 nm का टॉर्क, मतलब पावर इसका 39.42 bhp है समथिंग एंड ऑलमोस्ट 40 bhp है इसमें, इसीलिए मैं 40 bhp बोला सीधा एंड 35 nm का टॉर्क। एंड जो सबसे बेस्ट चीज़ मेरे को लगती है इसका एग्जॉस्ट नोट, बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा है, लाउड है, ड्यूक से थोड़ा सा ज़्यादा आवाज़ आता है ऐसा, ड्यूक का काफ़ी जो एग्जॉस्ट नोट है काफ़ी साइलेंट है। देखो एकदम ही एकदम से इंस्टेंट भागती है बाइक, KTM के जो अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 30 PS की पावर एंड 24 Nm का टॉर्क है, बट जो इस चीज़ जो इस बाइक में एक अलग जो रिफाइनमेंट आई है बहुत ही नेक्स्ट लेवल है, मतलब ड्यूक 250 BS4 के जो इंजन को आप है ना उसके अल्टीमेट लेवल पे पहुंचा दोगे ना रिफाइनमेंट के, तो वो ये है, मतलब हद से ज़्यादा रिफाइंड एंड थोड़ा सा करेक्टरिस्टिक जो पावर डिलीवरी है वो काफ़ी लीनियर है इसमें। सो मैंने आपको इस बाइक की पावर बता दी है, सो बात कर लेते हैं कि कौन सी बाइक ज़्यादा पावरफुल है। तो डोमिनर में आपको वेट ज़्यादा मिलता है, पावर भी ज़्यादा मिलेगी, ड्यूक में आपको वेट कम मिलेगा बट पावर भी कम मिलती है। बट एक्चुअल जब हम इसे बाइक को चलाएंगे तो आपको स्टार्टिंग से लेके इसके टॉप एंड तक डोमिनर में पावर ज़्यादा फील होगी, बिकॉज अब 40 bhp का पावर मिलता है, पहले इसमें कम आता था पावर बट अब 40 bhp भी कर दिया है, तो आपको डेफिनेटली इसमें फील होगा कि डोमिनर का जो पुल है वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ड्यूक के कंपैरिजन में। बट ड्यूक में आपको एक एडवांटेज ये मिलता है कि उसका लाइट वेट होना ज़्यादा फ्लिकेबल है बाइक, उसके लाइट वेट होने की वजह से। बट हाँ, आपको पावर के मुकाबले डोमिनर ज़्यादा आपको पावरफुल लगेगी ड्यूक से ज़्यादा। बट अगर मैं रिफाइनमेंट की बात करूँ तो एक जो एडवांटेज है वो है ड्यूक की तरफ है कि ड्यूक थोड़ी ज़्यादा रिफाइंड लगेगी आपको, तो डोमिनर पावर के लिए एंड रिफाइनमेंट के लिए ड्यूक। मेरा जो फ्रेंड है उसकी जो हाइट है वो है 5'5", के बारे में बता देता हूँ जो इसकी सीट हाइट है, तो 823 mm का सीट हाइट है एंड 5'5" के हिसाब से, यहाँ से मैं पूरा ऐसे देख सकते हो कि जो सीट हाइट है वो 800 mm इन्होंने ठीक दिया कि ज़्यादातर लोग कंफर्टेबल रहें। सो 5'8" है मेरे भाई की हाइट, जो देखो मतलब ऑलमोस्ट पैर टच हो रहे हैं, तो देखो बस हल्का सा ही डिफरेंस है। तो इस ये BS6 बाइक है, तो इसका एग्जॉस्ट नोट आपको सुना देता हूँ,
सो इसका एग्जॉस्ट नोट आपको सुना देता हूँ, BS6 वेरियंट है। वो है 151 mm का, एंड ये मतलब कि जो इंडियन रोड्स के हिसाब से है ना काफ़ी ज़्यादा नीचे बाइक लग जाती है। जो आप देख सकते हो ये पाइप जो है जो एग्जॉस्ट की तरफ से जा रहा है, तो इसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए KTM ने इसमें भी कुछ चीज़ें दी हैं। बट एक्चुअल में वो लगता है ये जो हीट पाइप नहीं लगेगा आपका, बट स्टिल अगर पिलियन है बाइक पे बैठा हुआ है तो सबसे ज़्यादा स्पीड ब्रेकर, कोई भी स्पीड ब्रेकर हो उसका जो साइज़ थोड़ा बड़ा हो या छोटा हो, ये बाइक नीचे लग जाती है। तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस उतना अच्छा नहीं है, एंड अगर आप थोड़ा स्पीड से ग्राउंड क्लियरेंस मतलब कोई स्पीड ब्रेकर से निकालोगे तो भी बाइक नीचे लगती है। अब बात कर लेते हैं इस बाइक के ग्राउंड क्लियरेंस की। तो ग्राउंड क्लियरेंस इस बाइक का है 157 mm, आप देख सकते हो। सो ड्यूक के आगे या फिर इसी सेगमेंट में अगर कोई देखोगे तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस उनसे थोड़ा बेटर है। 157 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, वहाँ पे 151 का है, तो यहाँ थोड़ा आपको एडवांटेज मिल जाता है। आपको यहाँ पर गियर के लिए शो कर रहा है, साइड स्टैंड सेंसर भी है बाइक में, अगर साइड स्टैंड लगा रहेगा तो बाइक स्टार्ट नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको RPM दिखा रहा है, शिफ्ट लाइट है यहाँ पर, यहाँ पे जो इंजन टेम्परेचर है वो दिखाएगा आपको, फ्यूल गेज दिखा रहा है। और मोड्स में आप जाओगे तो यहाँ पे सुपर मोटो है, एंड ये प्रेस करके रखोगे ये देखो, एंड जब ये रिलीज़ करने को छोड़ेगा तो रिलीज़ करना है, एंड ये रोड पे स्विच होगा। सुपर मोटो जो है जो कि रियर टायर का ABS हो जाता है ऑफ, एंड रोड है जिससे आपके डुअल चैनल ABS एकदम प्रॉपर वर्क करेंगे। अगर इस बाइक के जो डिजिटल मीटर में आपको देखने को फ्यूल रेंज दिख जाएगी, आपको कितना आपको ओडोमीटर मिल जाएगा, कितना RPM है वो दिख जाएगा आपको, साइड स्टैंड वार्निंग दिखते, किल स्विच के लिए दिखते, एवरेज फ्यूल रेंज आपको दिखा देगा। ये है एक मेन डिस्प्ले, एक टैंक के ऊपर डिस्प्ले मिलती है जिसमें आपको गियर इंडिकेट कर देता है, सेकेंडली आपको उस पर शो करता है आपका ट्रिप सेकेंड टाइम। तो ये सब चीज़ें, दो अलग अलग डिस्प्ले हैं इसमें, एंड दोनों में आपको इन्फो मिलती है। अभी हम स्पीड ब्रेकर पे से निकालने वाले हैं इस बाइक को, तो इस पर देखते हैं कि लगेगी नहीं, बच गई। यहाँ पे ड्यूक लग जाती है और मेरे को थोड़ा वैसा है ना कि आदत हो गई ड्यूक की कि नीचे लग जाएगी, तो ये बाइक बच गई। सो माइलेज वाइज अगर मैं बोलूँ तो माइलेज वाइज मैंने इसका माइलेज टेस्ट कर रखा है, जो फ्रेंड की बाइक थी मेरी मैंने माइलेज टेस्ट करा था, कार्ड्स में वीडियो का लिंक आएगा वहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आप बाइक कैसे चला रहे हो, आप थोड़ा ज़्यादा तेज़ चलाओगे तो भी माइलेज मतलब इसकी वैसे थोड़ा सा इफेक्ट होगी, थोड़ी सी कम देगी, एंड अगर आप मेंटेन करके चला रहे हो 65-60 इतना चलाओगे तो अच्छी खासी माइलेज निकाल के देगी। तो अगर आपको पूरा डिटेल में जानना है तो आप वो वीडियो देख लो, तो मैं एक आइडिया के लिए कि 33-34 ये ईजिली दे सकती है, तो इतना इसका माइलेज है। और अगर सिटी के लिए कहूँ तो भाई पावर भी अच्छी है, माइलेज भी अच्छी है, एंड ओवरऑल जो फीचर आपको चाहिए स्लिपर क्लच ABS वगैरह हर चीज़ है। तो ये माइलेज के बारे में भी आपका अगर कोई डाउट था तो वो भी मैंने क्लियर करा है। सो इस बाइक का प्राइस एंड इसका जो पहली तीन सर्विस होती है जिसमें आपको लेबर कॉस्ट नहीं देना होता, तो उसका जो भी आता है मतलब खर्चा वो आता है 1700-1800 इतना होता है। एंड अगर जब आप पेड सर्विस करवाने जाओगे जो फोर सर्विस होगी बाइक की, तो वो समथिंग आपकी 2800-2700 इतना ही होता है, मतलब 1000 रुपये आप ज़्यादा ऐड कर लेना इतना ही उसमें ज़्यादा खर्चा जाता है। बाइक के सर्विस कॉस्ट के रिलेटेड बात कर लेते हैं, तो 2500 तक आपको इसका सर्विस कॉस्ट मिलेगा, लाइक जितना आपके पार्ट चेंज हो रहे हैं, लाइक अगर किसी में आपको ज़्यादा इसके पार्ट चेंज हो जाते हैं जिसमें इसका एयर फिल्टर हो गया, ऑयल फिल्टर हो गया, तो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, बट 2500 तक ये मतलब सर्विस हो जाएगी, 2500 या 3000 के पास तो ये सर्विस हो जाएगी। एंड इसमें भी आपको तीन सर्विस फ्री मिलती है, बाकी आपको फोर सर्विस पेड होती है जिसमें आपको थोड़ा सा चार्जेस मिलेगा, लाइक जो 3000 तक होगी एक्चुअली में, बाकी 2500 के अंदर में आपकी सर्विस हो जाती है भाई। माइलेज के रिलेटेड बात कर लेते हैं, 13 लीटर का इसमें फ्यूल टैंक है, थोड़ा सा अगर ज़्यादा होता है बिकॉज ये एक स्पोर्ट्स टूरर है, इसको टूरिंग के लिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग, तो थोड़ा सा बेटर होता तो सही है, बट स्टिल एक अच्छा है, मतलब 13 लीटर ठीक है और थोड़ा बेटर होता और भी अच्छी चीज़ रहती, बट मैं इसको एक डिसएडवांटेज नहीं बोलूँगा। अगर माइलेज की बात करें तो ये आपको एक 30 तक की माइलेज दे सकती है, 400cc की बाइक है, मतलब अगर 373cc पॉइंट समथिंग कुछ की सीसी की बाइक है, बट BHP 40 का एंड 35 का टॉर्क है, पावर है बाइक में उस हिसाब से 30 तक ही रहेगी, और उस हिसाब से जिस हिसाब से आप चला रहे हो किस कंडीशन में तो उस हिसाब से ही, क्योंकि ऊपर नीचे माइलेज मिलती है हर किसी को, जिस राइडिंग जो आपका राइडिंग स्टाइल है उस पर डिपेंड करता है आपका माइलेज।
सब बात कर लेते हैं कि कौन सी बाइक ज़्यादा बेटर है। अगर हम डोमिनार को देखें तो डोमिनार ड्यूक से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको प्रोवाइड करे, लाइक आपको उसमें ज़्यादा सीसी का इंजन मिलता है, ज़्यादा पावर मिलती है, ज़्यादा टॉर्क मिलता है, आपको बेटर कंफर्ट मिलता है, बेटर ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, एंड आप उसको एक फैमिली बाइक की तरह यूज़ कर सकते हो। ड्यूक को भी कर सकते हो, बट ड्यूक का ग्राउंड क्लियरेंस उतना अच्छा नहीं है, एंड साथ ही साथ उसका जो पिलियन का सीट है वो भी उतना कंफर्टेबल नहीं है। एंड अब ड्यूक के थोड़े एडवांटेज की बात करें तो ड्यूक लाइट वेट है, ज़्यादा फ्लिकेबल है। ड्यूक कंपेयर करें डोमिनार से तो डोमिनार का वेट थोड़ा सा उसको फ्लिकेबल कम बनाता है ड्यूक जो। सेकेंडली अगर हम बात करें तो वो उसका रिफाइनमेंट, उसमें वाइब्रेशन बहुत कम है, काफ़ी रिफाइंड इंजन है। थर्ड हम बात करें तो फीचर जो उसमें ऐड करा है KTM ने वो है सुपर मोटो मोड, ऐसा कोई फीचर आपको डोमिनार में नहीं मिलता एंड ड्यूक में आपको मिलता है, जिससे आप रेयर टायर का ABS ऑफ कर सकते हो, तो यही आपको फीचर मिलता है। डोमिनार अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करिए प्राइस पॉइंट में, वो भी ड्यूक से कम प्राइस में, एंड ड्यूक थोड़ी सी एक्सपेंसिव है उसके आगे और कम सीसी की बाइक है, बट हाँ वो भी वर्थ है, तो आप अपने यूजेस पे देखो। डोमिनार भी मेरे को ज़्यादा बेटर, डोमिनार भी मेरे को अच्छी लगी एंड ड्यूक भी, बट ये डिपेंड करता है आपके यूजेस पे। अगर आपको लाइट वेट बाइक चाहिए, आपको वाइब्रेशन थोड़ी कम चाहिए, रिफाइनमेंट अच्छी चाहिए, तो आप ड्यूक की तरफ जा सकते हो। एंड आपको ओवरऑल एक पैकेज चाहिए जो हर चीज़ प्रोवाइड करे, तो आप डोमिनार की तरफ जाओ, वो बेस्ट है अपने हिसाब से एंड ड्यूक अपने हिसाब से बेस्ट है। सो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मैंने आपको पूरा इसमें डिटेल बताया कि क्या प्राइस है, कैसा परफॉर्म करती है दोनों बाइक की, पूरी डिटेल आपको बताई। एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड काफ़ी मेहनत से बनाई तो वीडियो शेयर करना जितना हो सके, एंड नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय।